आज की वीडियो उन सभी के लिए जिन्हें मैजिकल फैंटेसी दुनिया उनकी एडवेंचरस जर्नी को एक्सपीरियंस करना पसंद है, क्योंकि भाई इनकी मैजिकल पावर इनकी वो फैंटेसी दुनिया की बात ही कुछ और है। तो आज की वीडियो में हम लाए टॉप 10 वर्ल्ड बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज का पार्ट 2, जिनकी हर एक कॉन्सेप्ट एक से बढ़कर एक है, जिनमें टॉप 3 बोनस सीरीज भी होंगी जो हमेशा की तरह टॉप लेवल की होंगी, तो एक भी मिस ना करिएगा। और हाँ, अगर आप इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया की बेहतरीन सीरीज को मिस कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, जरूर देखिए। ऐसे ही बेहतरीन मैजिकल फैंटेसी सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नंबर 7 की सीरीज भाई एक ऐसी स्कूल जहां जादू को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, तो ऐसी सीरीज देखने में मजा बहुत आता है। 2021 की फैंटेसी ड्रामा टोटल 2 सीजन के साथ फेथ द विंग सागा। फोकस ब्लोन की कैरेक्टर पे बेस्ड है, जिनके पास कुछ मैजिकल पावर है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ब्लोन एक मैजिकल बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेती है ताकि खुद की अपनी सुपर पावर को कंट्रोल करना सीख सके। आगे की स्टोरी आप सीरीज में देखकर एक्सपीरियंस करो। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो भाई इसके मैजिकल पावर की CGI ग्राफिक्स कमाल की है। हर एक के पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ सुपर पावर, जो आपको देखने में मजा बहुत आएगा। वहीं दूसरी ओर इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कैरेक्टर के बीच में वो इमोशंस नहीं बिल्ड कर पाते, जिससे आप कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। बाकी इसके मैजिकल पावर आपको सीरीज डिसअपॉइंट नहीं होने देगी। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज भाई वैम्पायर ड्रैकुला टाइप वेब सीरीज देखने का एक अलग ही अपना मजा है। अगर आपको इस टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए। 2019 की टोटल 2 सीजन फैंटेसी हॉरर ड्रामा के साथ हायर्स ऑफ द नाइट्स। स्टोरी आपको सीधा 1889 में ले जाएगी, जहां पूरे यूरोप में बचे 5 वैम्पायर को ट्रेनिंग दिया जाता है इंसानों के साथ रहकर खुद को सरवाइव करने का। स्टोरी में ज्यादा कुछ बता नहीं सकते भाई, आगे की स्टोरी आप खुद ही देखकर एक्सपीरियंस करो। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो सबसे पहला पॉइंट भाई इसके कॉन्सेप्ट। वैम्पायर टाइप सीरीज देखने में हम ऑडियंस को काफी मजा आता है। वैम्पायर वाली मैजिकल पावर वो खून चूसने वाला कॉन्सेप्ट कमाल की होती है। और दूसरी बात भाई, 20 से 25 मिनट की हर एक एपिसोड कब निकल जाएंगे आपको फील भी नहीं होगा। बस खटकेगा तो इसके MX प्लेयर की तरफ से घटिया हिंदी डबिंग, जो आपको कहीं कहीं पे इरिटेट जरूर करेगा। बाकी आप सीरीज को बेहिचक देखिए, हिंदी डबिंग के साथ MX प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज, अगर भाई आपको डार्क मैजिकल फैंटेसी विच चुड़ैल पे बेस सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज धीरे धीरे करके आपकी रगों में बस जाएंगी। 2018 से टोटल 4 सीजन फैंटेसी हॉरर ड्रामा के साथ चिलिंग एडवेंचरस ऑफ सबरीना। सबरीना की कैरेक्टर, उनके टीनेज लाइफ में हो रहे बदलाव, इस दुनिया के बाद एक अलग ही दुनिया, ये सब भाई आपको सीरीज से बांधे रखेगी। जरूर देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 5 की सीरीज थोड़ा स्लो जरूर है, पर भाई इसके कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक एंड फ्रेश है। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में एकदम फटाफट चीजें देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको थोड़ी स्लो जरूर लग सकती है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की फैंटेसी ड्रामा के साथ द सैंडमैन। स्टोरी भाई अपने सपनों की देवता पे बेस्ड है, जिन्हें धरती पे कई सालों तक कैद कर रखा जाता है। वहाँ से निकलने के बाद अपनी सारी पावर को फिर से हासिल करने की जर्नी। कुछ अलग और डिफरेंट तरीके से फैंटेसी एडवेंचर सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, थोड़ी सब्र के साथ तो इस ड्रामा सीरीज को जरूर देखिए। इसकी वो डार्क फैंटेसी दुनिया आपको काफी पसंद आएंगी। खूब ज्यादा तो नहीं भाई, पर जितनी है कमाल की है। एंड तक आते आते आपको 100% सेटिस्फाई करेगी। लीड कैरेक्टर की एक्टिंग आपको काफी पसंद आएंगी, बस बीच की एपिसोड थोड़ी स्लो है। सब्र रख कर देखिएगा तो यकीन मानिए सब्र का फल मीठा होगा। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 4 की सीरीज भाई खतरनाक टाइप। डार्क फैंटेसी वेब सीरीज में अगर पैरेलल यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जाए तो वो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होती है। नंबर 4 की सीरीज आपको हमारी दुनिया से अलग एक पैरेलल की दुनिया में ले जाएंगी, जिसे हाल ही में प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया डार्क फैंटेसी ड्रामा के साथ द ग्रेफन। एक ऐसी मिस्टीरियस बुक जिस पर आपकी साइन करने के बाद हमारे इस दुनिया और उस पैरेलल दुनिया में आप सफर कर सकते हैं। ट्विस्ट तो यह है कि उस पैरेलल दुनिया की एक क्रैकन मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आना चाहता है ताकि इंसानों को गुलाम बना सके। कैसे हमारे लीड कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को रोकते हैं। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो भाई इसके कॉन्सेप्ट कुछ खतरनाक सा फील आपको जरूर कराएगी। केवल 6 एपिसोड आपको बोर नहीं होने देती। जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज DC की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो
हीरो सीरीज में से एकदम टॉप लेवल की 2022 की एक्शन एडवेंचर के साथ पीस मेकर। अगर भाई कुछ अजीब सा सुपर हीरो पे बेस सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप बेहिचक देखना स्टार्ट करिए, आपको हर एक एंगल से परफेक्ट लगेगी। चाहे इसके कैरेक्टर की अजीबो गरीब वो इंट्रोडक्शन, एकदम बिंदास एंड बेधड़क टाइप, इसके एक्शन सीन तोड़फोड़ और खतरनाक, ये सब आपको काफी पसंद आएंगी। और हाँ, सीरीज में कई जगह पे न्यूड और बेड सीन है तो 18+ है। प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 3 की सीरीज, अगर भाई आप मार्वल की सुपर हीरो को टीनेज सुपर हीरो की तरह देखना चाहते हैं तो ये नंबर 3 की सीरीज को आप देखना स्टार्ट करिए, आपको डार्क टीनेज सुपर हीरो वाली वेव फील कराएगी। 2018 से टोटल 4 सीजन एक्शन एडवेंचर के साथ टाइटन। सुपर हीरो वेब सीरीज में अगर साईफाई के साथ डार्क मैजिकल मिस्ट्री पावर देखने को मिल जाए ना तो सीरीज देखने में मजा आता है। ये सीरीज कुछ अजीबो गरीब टाइप आपको एक्सपीरियंस कराएगी। स्टोरी कुछ ऐसे ही टीनेज टाइटंस पे बेस्ड है जिनके हर एक के पास अपनी अपनी यूनिक पावर्स हैं। सीजन 1 की स्टोरी फोकस है रेचल पे जो की एक रेवन है और उनके पास कुछ डार्क मैजिकल सुपर पावर है जो उसके कंट्रोल में नहीं। उनकी बैक स्टोरी यही सब आपको सीरीज में देखना है। धीरे धीरे करके भाई सीरीज आपको पसंद जरूर आएंगी, थोड़ी पेशेंस रखिएगा। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। नंबर 2 की सीरीज की कॉन्सेप्ट भाई हमारी बचपन की वो मैजिकल फैंटेसी डिजायर को फुलफिल करती है। कितना अच्छा होगा जब आपके पास कुछ मैजिकल चाबियां हो जिससे आप कहीं भी आ जा सकते हैं। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से मोस्ट पॉपुलर फैंटेसी सीरीज में से 2020 की साइफाई फैंटेसी टोटल 3 सीजन के साथ लॉक एंड की। एक ऐसे मिस्टीरियस हाउस जिसमें छिपा है अलग अलग मैजिक के साथ कुछ मैजिकल कीज जिससे सही दरवाजे को ढूंढ कर उसकी की मैजिकल पावर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर नेटफ्लिक्स ने भाई हमारे सामने एकदम फ्रेश एंड परफेक्ट तरीके से रखा है और इसमें कोई शक नहीं सीरीज टॉप क्लास की है। टोटल 3 सीजन, हर एक सीजन में कुछ नई चाबियां, उनकी जर्नी, हर एक चाबियां की अलग अलग उनकी पावर, ये सब देखने में आपको मजा बहुत आएगा। नहीं देखे तो सीरीज को आप डेफिनेटली देखना स्टार्ट करिए। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज भाई, सीरीज को आपने नहीं देखा तो एक बार देखना स्टार्ट करिए। ये वेंसडे की कैरेक्टर भाई स्ट्रेंजर थिंग की 11 की तरह आपकी दिलो दिमाग एक एक रगों में बस जाएगी। इस वेंसडे की कैरेक्टर ने प्रूफ कर दिया कि बिना ज्यादा कुछ बोले सिर्फ अपनी बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन से आपके दिमाग पे गहरा छाप छोड़ सकती है। भाई हम बात करें 2022 की नेटफ्लिक्स की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट वॉचेबल वेब सीरीज डार्क फैंटेसी के साथ वेंसडे। सिर्फ एक बार देखना स्टार्ट करो भाई सीरीज को, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज भाई प्राइम वीडियो की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर सीरीज में से एक। अगर आप एक बेहतरीन सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें धीरे धीरे कर कर आप खोते चले जाएं, जिसमें आपको हर एक की अपनी अपनी प्लॉट देखने को मिले तो डेफिनेटली इस फैंटेसी ड्रामा सीरीज को देखना स्टार्ट करिए। 2019 की टोटल 2 सीजन क्राइम फैंटेसी ड्रामा के साथ कार्निवल रॉक। सीरीज की स्टोरी कई सारे प्लॉट में घूमती है। एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ इंसान रहते हैं तो वहीं दूसरी ओर बद से बदतर जहन्नुम से भरी दुनिया में फेरी और कुछ क्रिएचर रहते हैं जो इंसान इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये इंसान उन क्रिएचर और फेरीज को नाली के कीड़े की तरह ट्रीट करते हैं। मिस्ट्री तो ये है कि इन फेरी और क्रिएचर की मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है, आप सीरीज में देखिए अपनी आजादी के लिए एडवेंचरस जर्नी। और नो डाउट भाई सीरीज आपको फर्स्ट एपिसोड से ही हुक कर लेगी। इनके फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ इनकी सिनेमेटोग्राफी आपको पसंद जरूर आएगी। बस इसका नेगेटिव पॉइंट है इसके सीजन 1 हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल नहीं है, पर आप सीजन 2 हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ ऐसे ही क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखकर नहीं करते हो यार। और आईएस लिस्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।